नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मेरे पीछे एक तस्वीर है, ये तस्वीर आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक उसी तरह लव जिहाद भी लोगों को ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस पर से पर्दा हटाना जरूरी है और तस्वीर दिखाना भी जरूरी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे आपके क्या समझ में आ रहा है? दरअसल लव जिहाद के मामले थम नहीं रहे हैं, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। इस बार एक नया मामला आया, राजधानी भोपाल में 30 मई को लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि एक मुस्लिम युवक लड़की को बरगला कर अपने साथ ले गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर से लव जिहाद को लेकर चेतावनी दी और कहा कि लव तो बर्दाश्त है लेकिन जिहाद नहीं। पूरे देश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद के शिकार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कई मामलों में उनकी जान तक जा रही है। इसके बावजूद लव जिहाद का जाल फैलता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता कानून भी लागू है, लेकिन फिर भी हिंदू लड़कियां इस बड़ी साजिश का टारगेट बन रही हैं। ताजा मामला सामने आया है राजधानी भोपाल से। यहां पर हिंदू परिवार ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी को बरगला कर साथ ले गया। इतना ही नहीं, लड़की की 30 मई को शादी थी, लेकिन इससे पहले भी मुस्लिम युवक उसे ले गया। परिजनों का आरोप है कि बीते एक साल से मुस्लिम युवक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो आदतन अपराधी है और एक लड़की के साथ रेप का भी आरोप लग चुका है। मुस्लिम लड़का यूसुफ खान मेरी लड़की को 11 मई दिन में भगाकर ले गया, जिसकी मैंने FIR कराई तो मेरी लड़की का माइंड वॉश कर दिया गया है, जिसके कारण वे थाने में बुर्का पहनकर आ गई। उस यूसुफ खान ने मेरी लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया। मेरी लड़की उसके बाद मेरे साथ सुप्रत कर दिया गया। उसके बाद मेरी लड़की पर दबाव बनाया गया। हालांकि MP सरकार लव जिहाद को लेकर काफी सख्त रही है। सूबे में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी लागू है। खुद CM शिवराज सिंह चौहान भी कई मौकों पर लव जिहाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखा चुके हैं। इस बार भी CM शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि सूबे में लव बर्दाश्त है लेकिन जिहाद नहीं। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भी बड़ा बयान आया। गुजरात के वडोदरा में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लव जिहाद में बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने मंत्र दिया कि घर के बाहर झंडा लगाएं, तिलक करें और मंगलवार को बच्चों को मंदिर ले जाएं। जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं, जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें बोलते हो। हम विवादित बातें नहीं बोलते, हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। एक तरफ लव जिहाद के खिलाफ कानून का डंडा है, दूसरी तरफ पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा भी लगातार अलख जगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लव जिहाद के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये एक ऐसी साजिश है जो खुली आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन अगर भीतर जाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी कुएं में भांग मिली हुई है। जी हाँ, हमारे साथ तो खास मेहमान आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, गोविंद मालू साहब, BJP के प्रवक्ता हैं। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत। साथ ही में रोहित नायक, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मालू साहब, मैं आपके पास आता हूँ। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि लव बर्दाश्त, जिहाद बर्दाश्त नहीं है, लव जिहाद किसी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा, सख्त कानून भी बना दिया गया, लेकिन फिर ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? कौन लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, इस समाज में जागरूकता का अभाव है।
जब खुद कोई कार्रवाई करता है तो लगता है कि वो कानून तोड़ रहा है, और जब धर्म स्वतंत्र विधेयक बन गया तब ये मामले प्रकाश में आने लगे हैं। उसके पहले तो कई अबला लड़कियों को, नारियों को इस तरह से किडनैप करके, उनका धर्म परिवर्तन करके उकसाकर, उनको प्रताड़ना देकर, प्रलोभन देकर ये काम होते रहे, और कई बार देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में ये कोई समुदाय, कोई जाति, कोई धर्म में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोग यदि इस तरह से जानबूझकर किसी को फुसलाकर, बहलाकर और उसको डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन करता है और उसको प्रताड़ित करता है, हिंसा फैलाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज को जागरूक होना पड़ेगा। एक एक दिन में अब जब मामले प्रकाश में आने लगे, देखिए कल ही ये एक अखबार की रिपोर्ट है, उसमें तीन मामले, तीनों एक ही समुदाय से जुड़े हुए हैं। आज भोपाल का एक मामला आया, ये जब पता लगता है तब इस पर कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होती है तो प्रकाशित होती है, तो अब पकड़े जा रहे हैं लोग। लेकिन समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और खास करके उन परिवारों को भी बिना भय के रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। पुलिस को कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई करती है, लेकिन समाज यदि उद्वेलित होता है और कहीं कुछ उसके बारे में यदि कोई खुद अगर कानून हाथ में लेता है तो लोग उसको कहते हैं कानून हाथ में लिया जा रहा है। ये जब खुद जिहाद फैला रहे हैं, काफिर और कुफ्र की हमारी सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। सबसे पहले भारत में अगर कोई गैर मुस्लिम देश में मस्जिद बनी थी तो 629 में राजा रवि वर्मा ने केरल में मस्जिद बनवाई थी। क्यों? हम सबकी उपासना पद्धति का सम्मान करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए उस पर जोर जबरदस्ती करें, हिंसा फैलाएं। और धर्मांतरण इसलिए किया जा रहा है कि इस मुल्क को, हम इसकी डेमोग्राफी को बदलकर हमारी मंशा कुछ और है, और ये बिल्कुल बर्दाश्त न तो जिक्र कर, और अब नागरिक भी जागरूक हो गए हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए, और ऐसे तत्वों को पुलिस के हवाले करना चाहिए, रोहित, वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। हाँ, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ठीक है रोहित नायक साहब, मैं आपके पास अब आता हूं। आप कैसे देख रहे हैं, कानून बन गया इसकी वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या ये एक वजह है? दूसरा कि कानून बन तो गया लेकिन क्या लोग अभी भी इसके प्रति जागरूक हैं? इसके पीछे क्या वजह है कि ऐसे मामले अब निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या प्रकाश में अब आ रहे हैं, पहले भी होते थे, ये वजह है? कांग्रेस कैसे इसको देखती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस तरह के प्रकरण तो सदैव अन्यत्र बार हुए होंगे, और मुझे लगता है 18 वर्षों में बीजेपी कार्यकाल में कई सारे ऐसे प्रकरण हुए होंगे, लेकिन सारे प्रकरणों को एक ही कैटेगरी में रख देना या एक ही दृष्टि से देखना, ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है न्यायोचित नहीं होगा। मुझे जो सबसे बड़ी जो कुछ चीजें समझ में नहीं आती वो ये आती है कि जब चुनाव आते हैं तभी इस तरह की चर्चाएं क्यों अचानक से सरफेस होती हैं, क्यों इन पर अचानक से बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जो हमारा समतामूलक समाज है, जो समावेशी रूप से भारत की संरचना है, उसको मुझे लगता है कि भाजपा बहुत अच्छे से समझ नहीं पाई है। उनकी अपनी राजनीति है, और उनकी राजनीति केवल एक एक समाज के लिए एक एक आप मालू जी, मैं बोल रहा हूँ, पेंट कर रहे हैं, मुझे शर्म आनी चाहिए आपको, लोगों को आपके बीच में आश्चर्य होता है मुझे। अरे भाई, आपको तो इसको कंडेम करना चाहिए, आप इसको वोट, आप वोट बैंक की राजनीति से जोड़ के देखते हैं, चुनाव से जोड़ के देखते हैं। ये घटनाएं कोई चुनाव के लिए हम नहीं करा रहे हैं, ये आप नहीं करा रहे हैं, मैं भी चीख सकता हूं। ये जो वर्ग करा रहे हैं उनके नाम है इसमें, कैसे देखा जाएगा चश्मे से? मालू साहब नाम है ना उनके, नाम बदल कर और ठीक है। आप मालू साहब एक मिनट मालू साहब, मालू साहब नहीं, गलत बात है ये। मालू साहब सुनिए तो सही, आप आपत्ति जताइए, मालू साहब आप आपत्ति जताइए ना, लेकिन पहले उनको बोल लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए, आपके पास फिर आऊंगा मैं, फिर आप आपत्ति जताइएगा। रोहित जी देखिए, जो सामान्य प्रशासन है और जो मूलभूत न्याय व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में अगर स्टैटिस्टिकली बात करी जाए तो चाहे वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हो जैसे KRS की, या फिर कोई सामाजिक जो हमारा शासकीय कोई डिपार्टमेंट हो, अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिकली जो भी डेटा अभी तक सामने आया है उसमें मध्य प्रदेश की बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति सामने आई है।
न्याय के विषय में अगर हम बात करें तो मूलभूत जो सुविधाएं जो बात करते हैं कि सामाजिक जो न्याय व्यवस्था है उसको कितना ये कंटेन कर पाए, मुझे लगता है पूरी तरह से विफल रहे हैं। मतलब ये इनकी पूरी तरह से हवा निकल गई इनके प्रशासनिक जो इनका ताना बाना था उसकी। और आप अगर देखेंगे कि कितने अगर ये महिलाओं की बात करें या नारियों के सम्मान की बात करें या कोई भी इस तरह की ये चर्चा करते हैं जहां पर बेटी को बचाने बढ़ाने की बात करते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं, तो आप देखिए ये जिस तरीके से रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, जितना महिलाओं के अगेंस्ट जो प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा तादाद में है मध्य प्रदेश में। और ऐसी स्थिति में जब ये बात करी जाती है तो ये चुनावी समय में क्यों करी जाती है, ये थोड़ा सा मुझे चिंता। लव जिहाद पर बोलिए, लव जिहाद पर नहीं, चुनावी समय में कहा, धर्म स्वतंत्रता कानून जो लागू हुआ उसमें परिवर्तन करके लव जिहाद की बात करिए भाई, उस पर बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते हैं, आपका मुंह क्यों खुल जाता है ऐसे मुद्दों पर। मैं बाकी तो बहुत शोर मचाते हैं आप लोग, मैं बिल्कुल बोलता हूँ मालू जी, आपकी खुद की पार्टी, अरे लव जिहाद पर बात करिए, आपका क्या रुख है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, हम अरे पहले तो आपके समय तो आपके लोगों के फोन चले जाते थे, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, बेचारे मन मसोस कर जनता रह जाती थी, आप अपनी पार्टी का इसीलिए अरे हम रोक पा रहे, तभी तो प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं जेल के चीखों में, चूड़ी वाले पर तो जल्दी से करते हैं ट्वीट दिग्विजय सिंह, इन मामलों में क्यों नहीं करते, आपको पता है ना लालकृष्ण अडवाणी जी के, अरे दिग्विजय सिंह चूड़ी वाले के मामले में तो जल्दी से करते हैं, नहीं है आपको पता है, इसको लव जिहाद नहीं दिख रहा है आपको, पार्टी में नहीं रोक, ये काफिर कुफर की अवधारणा जिनकी है, लेकिन मालू साहब ये पूछ रहे हैं, मालू साहब सुनिए, वो बोल रहे हैं, मालू साहब बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी में बदल दिया आपने, पार्टी में केरल स्टोरी में जो सच है उसके लिए आप विरोध करते हैं, पार्टी में नहीं रोक पाए आप, पार्टी में नहीं रोक पाए, हमने हमने कानून बनाया तब ये मामले दर्ज हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं लोग, नहीं रोक पाए लव जिहाद, पकड़े जा रहे हैं, आप लोग उनको कह दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, देखिए लोकतांत्रिक देश में रहते हैं हम, पार्टी में नहीं जो रोक, हमारे लोग इतने सदाशयी हैं, इतने पार्टी में लव जिहाद को नहीं रोक पाए आप, इतने सद्भावी हैं हमारी जनता कि वो लोग खुद अपने हाथ में कानून नहीं लेते, आप कैसे रोकेंगे जनता के बीच होते हुए, अरे आपको तो ऐसे पक्ष के साथ में खड़े रहना चाहिए, रंग दल से नाम बदल कर बहला फुसला कर आपकी जो शिक्षा बालिकाओं को अपहरण कर रहे हैं उठा के ले जा रहे हैं और आप लोग चुप बैठे, कश्मीर की हालत साहब, एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है मालू साहब, देश में रोहित जी और मालू साहब एक मिनट प्लीज प्लीज रोहित जी प्लीज रोहित जी प्लीज रोहित जी प्लीज, आप लोगों के कारण नहीं, अगर आप ऐसे बोलेंगे रोहित जी सुनिए तो, कश्मीरी हिंदू नहीं बचा वहाँ, एक मिनट थोड़ा सा रोहित जी को डाउन कर देंगे क्या प्लीज, थोड़ा सा उनका ऑडियो डाउन कर दीजिए क्योंकि ऐसे बात नहीं हो पाएगी बोलने के लिए, नहीं रोहित जी अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए मेरी आपको आवाज में, अब आप चुप हो गए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, अरे अगर सर आप ही बोलने के लिए आए तो फिर मैं काहे के लिए हूं सर, सब बात में है, आप ही बोल लीजिए फिर, आप ही बोल लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा ना, आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है आपकी बात पहुंच रही है लेकिन आप ऐसे करके चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। गोविंद मालू साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल यह है कि आप जब कहते हैं लव जिहाद और खास तौर पर द केरला स्टोरी आई उसके बाद तो एक अलग ही चीज बन गई कि ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, मुझे बताइए कि इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं है क्या, ये लोग कौन है, कैसे ये पूरा नेक्सस चला रहे हैं, काम तो पुलिस का भी है, उसमें वहां उस स्टोरी में भी सवाल उठा और यहां पर भी सवाल उठा रहा है कि ये लोग कौन है, पुलिस क्यों नहीं पता लगा पा रही है, मालू साहब पुलिस पकड़ रही है, पीएफआई जैसे संगठन पैदा हो रहे हैं, उनके बंदिश लगाई जा रही है, एनआईए कार्रवाई कर रही है, प्रदेश की इंटेलिजेंस पुलिस इनको पकड़ रही है, इनके साहित्य को पकड़ रही है, और जिस तरह से कल भी दमोह में एक स्कूल में कार्रवाई हुई ये यहीं से बढ़ती है, हम वहीं पर पूंछ पर पांव रखकर उनको दबा रहे हैं, और ये जो लोग धर्म स्वतंत्र विधेयक कहां से आया, ये हमारी सरकार की जागरूकता का परिणाम था, नहीं तो ये लव जिहाद क्या, ये पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने में लगे हुए हैं और ये कांग्रेस के लोग उसको प्रेशर देते हैं, इंडोर्स करते हैं, अरे भाई आपको उन पक्ष में पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा रहना चाहिए, आप उल्टे उनको शय दे रहे हैं, उनको प्रेशर दे रहे हैं कि ये ठीक है, ये ऐसे मामले चलता ऐसे मामले, मालूम साहब एक सवाल और, एक सवाल ऐसे मामले जो अब तक प्रकाश में आए हैं, जो जिनकी शिकायत की है उन मामलों से क्या कोई लिंक सामने आया है, ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, तो शिकायत करेगा तभी तो आएगी, नहीं तो पुलिस ने जिन जिन मामलों ऐसे जो मामले मालू साहब सुनिए तो, जो मामले पुलिस तक पहुंचे हैं, पुलिस ने जांच की है,
उनसे लव जिहाद का पूरा खेल जो जिसका गजबाए हिंद की जो बात होती है, क्या उससे कोई लिंक अभी तक पुलिस को मिला है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल मिला है, कई जगह मिला है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किए हैं। और यही यही जो इनको मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, इसलिए मदरसों की जांच करते तब कांग्रेस के लोग उठ जाते हैं कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो देश में जो अराजकता फैला रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, जो काफिर कुफर की अवधारणा लेकर चल रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। हम किसी के धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं। आप अपनी उपासना पद्धति, मैंने कहा ना 629 में सबसे पहले इस देश में मोहम्मद साहब के टाइम मस्जिद बनी, केरल में बनी और हमने उनको बनाने दी, पूरे देश भर में मस्जिदें बनी, अपनी उपासना पद्धति अपनाई। लेकिन आप दूसरे धर्म को टारगेट करेंगे, हिंसा फैलाएंगे, जबरिया करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, ठीक है, धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ना ये सरकार करने दे रही, इसीलिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए आप। रोहित जी बोलिए जी। तो मैं बेसिकली, मुझे जो दोगलापन जो लगता है, जिसपे मैं लगातार आप सारी जनता का और जहां जो भी हमारा ये डिबेट देख रहे हैं आपका भी ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि ब्रजभूषण जैसे लोग बच जाते हैं तो अगर किसी के साथ कोई भी घटना हो रही है महिला के साथ, तो उसके लिए ये कोई स्टैंड लेते क्यों नहीं है? अगर ये न्याय व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दें कि अपने आप जो है प्रकरण सामने आने लगे और इस चीज पर जो महिला है उसके लिए भी संरक्षण हो, उसके लिए मामला सही समय पर दर्ज हो, ये बातें सामाजिक रूप से अगर आ रही हैं तो ये तो देखिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो शासन प्रशासन में बैठा वही जिम्मेदार है ना। कोई विपक्ष या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति तो कर नहीं सकता कुछ, कर सकता है? आप बताइए, आप कुछ कर सकते हैं क्या? मेरा ये कहना है कि अगर 18 वर्षों से इनका है, इन्हें चलिए ले आइए, कानून ले आए, बहुत अच्छा किया इन्हें कानून ले आए, लेकिन उस कानून का परिणाम अगर ये कह रहे हैं कि उसके कारण मामले सामने आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मामले तो सदैव, चलिए आप चलिए ठीक है, आप कांग्रेस की अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है, कांग्रेस की अपनी सोच हो सकती है, सरकार की अपनी सोच हो सकती है, सरकार अपनी दलील दे रही है, लेकिन एक बात बड़े बिल्कुल जरूरी बात जो कही है धीरेन्द्र शास्त्री ने या पंडित प्रदीप मिश्रा ने या धर्माचार्य, वो ये कह रहे हैं कि हमको समाज को समझना होगा, समाज को देखना होगा और समाज को ऐसे संस्कार देने होंगे जिससे कि बच्चे खुद जागृत हो सकें अपने धर्म अपने समाज के प्रति और ये समझ उनको आ सके कि लव क्या है और जिहाद क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।